हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो एज इट इज, जैसे कि आपको मालूम है, 5 बज चुके हैं, 17 तारीख है, आज ट्यूजडे है और कई सारे क्वेश्चन करेंगे। 6 बजे वाली क्लास भी देखना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाले 3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 निकल चुकी है, 17, 18 और 19, 3 दिन के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को अनअकैडमी के ऊपर 20% ऑफ है जो कि मिल रहा है, ठीक है। तो ज्वाइन आप देख सकते हो यहाँ पे 19 तारीख से पहले पहले जो है ना, ये ऑफरिंग है आप लोगों के लिए कि आप इसको ज्वाइन करके 20% ऑफ पा सकते हो। साथ में एक और अच्छी बात है कि अगर आप 6 महीने या 12 महीने का ले रहे हो ना, तो फिर आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा और आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 6 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है जो कि आपको मिलेगा। करना कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी आपका एग्ज़ाम का गोल है प्लस पे जाइए। जैसे कि एसएससी है ना, एसएससी में ऑफरिंग चल रही है वाली, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और नीचे की तरफ यहाँ पे रेफरल कोड है BHU10 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अभी 21-22 तारीख से आप लोगों के लिए करंट अफेयर का बैच भी आने वाला है एसएससी के अंदर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, साथ में बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर कर ही सकते हैं, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू ये कर सकते हैं। आपको प्रीवियस डे के क्वेश्चन की बात करें, तो कौन से यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया था एक्सपोर्ट? तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो हमारा गेहूं है उसके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है ना, वरना क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड किसको बनाया गया है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के डायरेक्टर जो बनाए गए हैं उनका नाम है राम बाबू प्रसाद। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी टाइम से ये पोजीशन जो है वो खाली भी पड़ी थी, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है उसके इसको इनको हेड है जो कि बनाया गया है। चलिए, कौन सा राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? ओल्ड पेंशन स्कीम है जो कि वापस से लाई गई है, और ऐसा कौन से राज्य के द्वारा किया जा रहा है? डेफिनेटली जल्दी इलेक्शन होंगे इसलिए लाया गया होगा, छत्तीसगढ़ दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है। और पहला स्टेट बन चुका है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर किया है, मतलब अशॉर्ड इनकम है जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज को ये लोग देने वाले हैं। 17,000 करोड़ रुपये के आसपास का विड्रॉल है जो कि इसके अंदर किया जाएगा, ठीक है गाइज। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर 50% जो सैलरी है ना, वो एज ए पेंशन के तौर पर दी जाती है। चीफ मिनिस्टर भूपेश जी हैं, अनुसुईया जी अभी गवर्नर है, 11 विधानसभा, 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। नेशनल पार्क इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास इंपॉर्टेंट है। चलिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डैश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बताइए, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर ओपन की गया है? हैदराबाद के अंदर इसको ओपन है जो कि किया गया है, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर इसको इनॉग्रेट है जो कि किया गया। तो NCFL ने आप देख सकते हो 4 स्पेशलाइज्ड हाईटेक यूनिट है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के तौर पे बनाई है। चलिए, इससे क्या होगा, कन्विक्शन रेट जो है वो साइबर क्राइम के इम्प्रूव हो जाएंगे। गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि जो आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं ना, उन सबका एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। बताइए, गति शक्ति संचार आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है अश्वनी, आपका बिल्कुल सही आंसर है अश्वनी वैष्णव। ओके, तो अश्वनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी एंड रेलवे ने लॉन्च किया गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स, ठीक है। चलिए, तो ये सब बारी सारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मई 2022 से अपनी 56 मेगावाट की कवास सौर PV परियोजना के पहले भाग की क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है? कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट कैपेसिटी ऑफ द 56 मेगावाट कावस सोलर PV प्रोजेक्ट कहां पर स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? NTPC के द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि कर दी गई है दोस्तों, ठीक है गाइज। कावस सोलर पावर प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी भी है, तो इनकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी गई है। चलिए, NTPC आपका सही आंसर हो गया और दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 75 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के बनाए गए हैं? तो देखो, पहले जो थे प्रेसिडेंट उनका नाम था शेख मोहम्मद खलीफा बिन जायद अल नाहयान, खलीफा हट गया और नए
प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि प्रेसिडेंट हमेशा कहाँ से बनते हैं, आबू धाबी से ही जो वहाँ के रूलर होते हैं वो बनते हैं। ओके, तो यूएई के अंदर दोस्तों आबू धाबी के तो हमेशा बनते हैं प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर दुबई के जो शेख हैं वो बनते हैं। ठीक है, दिरहम यहाँ पे करेंसी है, और नेशनल स्पोर्ट्स कैमल रेसिंग है। कौन से स्टेट ने अलाउ कर दिया सेंट्रल को कि वो डिपॉजिट करवा सकते हैं 6.05 LMT ऑफ फोर्टिफाइड पैराबोलाइड राइस विथ FCI। FCI के साथ में आप जो परबोल्ड परबोल्ड जो राइस है ना वो बेच सकते हो। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तेलंगाना, क्योंकि ये मेजरली प्रॉब्लम आपको तेलंगाना रीजन के अंदर ही है जो कि देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि वो दे सकती है और वो खरीद सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें, महावीर हसीना इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बिप्लब कुमार जिन्होंने रिजाइन किया, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? बिप्लब कुमार जी के बारे में बात करें तो अभी त्रिपुरा के दोस्तों ये CM थे जिन्होंने रिसेंटली अपनी जगह है जो कि छोड़ी है। ठीक है, चलिए, मनीष शाह हैं जिन्होंने इनको रिप्लेस किया है। सत्यदेव जी गवर्नर है, दो लोकसभा एक राज्यसभा की सीटें हैं। क्लाउडेड नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और राजबरी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया में विस्फोट करने के बाद स्टारलिंग इंटरनेट नक्षत्र के लिए कितने उपग्रह को परीक्षा में ले जाएगा? बताइए, स्पेस एक्स का जो रॉकेट है वो स्टारलिंक के लिए कितनी सैटेलाइट लेके जाएगा? वो लेके जाएगा आपकी 53। तो 53 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 53 सैटेलाइट है जो कि स्टारलिंक के इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के लिए जाने वाली है। कैलिफोर्निया से ये ब्लास्ट होने वाली है। फेल्कॉन 9 बूस्टर है जो कि इसके ऊपर फिट किया जाएगा ताकि लॉन्ग टाइम तक जो है वो सस्टेन कर सके। चलिए, किसने $130 मिलियन के अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 के अंदर खरीद लिया? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, मैसी आपका सही आंसर होगा। 120 130 मिलियन डॉलर मिले 2022 के अंदर मैसी के द्वारा कमाए गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारे के सारे टॉप के एथलीट्स हैं, मैसी हो गए, लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल के, ये भी फुटबॉल के, मैसी भी फुटबॉल, नेमार भी फुटबॉल। ओके, इस तरीके से ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं। चलिए, बुद्ध पूर्णिमा की तारीख क्या है दोस्तों? जैसा कि आपको मालूम है कल थी 16 तारीख, तो कल के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा थी। ओके, तो बुद्ध पूर्णिमा आप देख सकते हैं, और 7 स्टेप जो है वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। कंप्लेन कम करो, अप्रिशिएट ज़्यादा करो, है ना, कम देखो ज़्यादा, वॉच लेस डू मोर, काम ज़्यादा करो, जज लोगों को कम करो, एक्सेप्ट ज़्यादा करो, बात कम करो, सुनो ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई फॉर हैप्पीनेस। चलिए आगे बात करते हैं अकेडमी के बारे में। आप देख सकते हैं BHU 10 है जो कि आपको सब्सक्रिप्शन लगाना है किसी भी एग्जाम के लिए। 20% ऑफ है जो कि आपको मिल रहा है SSC कैटेगरी के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 के साथ में प्लस 6 महीने 12 महीने उनके साथ में एक्सटेंशन है जो कि मिलेगा। ठीक है, 20% ऑफ के साथ, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका SSC गोल है अभी प्रेजेंट के अंदर भी, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, 12 या 24 मंथ, और फिर यहाँ पे आप रेफर कोड लगा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इंडिया क्रूड इंपोर्ट सरपास्ड मिलियन बैरल्स पर डे इन अप्रैल, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आज का आपको सेशन, मिलेंगे सुबह वाली 5 और 6 बजे वाली, तो 5 तो हो ही गई, 6 बजे वाली क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अभी कुछ आधे घंटे के बाद में वापस मिलेंगे। ओके।